नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मकर राशि वालों, दोस्तों अपनी लंका खुद जलाओगे। जी दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी से विनती है कि वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा कि दोस्तों आधे अधूरे में अगर आप वीडियो को छोड़ते हैं तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको समझ में नहीं आएंगी, जिससे दोस्तों आपके मन में भी अनेकों प्रकार के सवाल खड़े हो जाएंगे। परंतु दोस्तों, अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों हम यह दावा करेंगे कि आपके जीवनकाल में जो भी आपके प्रश्न हैं दोस्तों उनका उत्तर मिल जाएगा और आने वाले समय में आपको कोई भी परेशानियां नहीं होने वाली है। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी शनिदेव के सच्चे भक्त हैं दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव का नारा जरूर लगाएं। भगवान शनिदेव की असीम कृपा आपके जीवनकाल पर आपको प्राप्त होगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय ऐसा आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर ऐसा समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे। तो दोस्तों आज के समय में कितने दुख की बात है, शुभ षडयंत्र काम आते हैं। जब तक सत्य से बाहर निकलता है तब झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। जी दोस्तों, ये बिल्कुल ही सत्य बात है और आने वाले समय में भी आपके जीवनकाल में कुछ ऐसी स्थिति होगी जहां पर आपके ऊपर बहुत ही बड़ा षडयंत्र रचा जाएगा और ये षडयंत्र आपके कुछ अपने ही जाने माने लोग होंगे जिन्हें आप पहचानते हैं। जी दोस्तों, और दोस्तों इसीलिए यह समय आपको अपनी लंका खुद ही जलानी पड़ेगी, यानी कि दोस्तों ये जो जाने माने लोग हैं इनको आप खुद ही बाहर निकालेंगे। जी दोस्तों, बशर्ते आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है कि यह व्यक्ति आखिर कौन है जो कि आपके जीवनकाल में बहुत ही बड़ा षडयंत्र कर रहा है। और दोस्तों, अगर आप एक बार इन्हें अपने जीवनकाल से निकाल दिए तो दोस्तों आपके जीवनकाल में कोई भी परेशानियां नहीं होंगी, किसी भी काम में अड़चने नहीं आने वाली। जी दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है कि आने वाले समय में जो ग्रहों की स्थिति होगी इनके अनुसार आप इस व्यक्ति की पहचान कैसे कर सकते हैं। साथ ही आने वाले समय में जो ग्रहों की स्थिति होगी आपके घर के माहौल में पारिजन में क्या क्या सुधार करेंगे, कौन कौन से बड़े चमत्कार आपके प्रत्येक क्षेत्र में होने वाले हैं, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात से जो कि दोस्तों आपके जीवनकाल में आपको ढालने हैं और दोस्तों आप इनका कमाल देखेंगे। जी दोस्तों, तो दोस्तों इन्हें भी आप बहुत ही गौर से सुनिएगा कि दोस्तों कोई भी मनुष्य किसी बात को किस प्रकार से समझाता है या उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीन कर खाने में अपनी शान समझता है तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संसारों समझ और मानसिकता का है, लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। जी दोस्तों, अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो या बातों को आप समझ पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों इसके साथ बात करते हैं कि अब आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे। दोस्तों, यश में ग्रह गोचर आपके लिए भाग्य वृद्धि कर रहा है। यश में मानसिक रूप से काफी संतोषजनक रहेगा। भाग दौड़ के बजाय काम को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की कोशिश करें, सभी काम सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों ध्यान रखें कि बहुत अधिक सोच विचार करने से परिणाम भी आपके हाथ से निकल सकते हैं, इसलिए योजनाओं को बनाने के साथ साथ क्रियान्वित करने में भी ध्यान दें। ज़्यादा अभिमान अथवा स्वयं को सुप्रियर समझना भी आपके लिए यश में ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों यश में इन बातों पर आपको गौर करना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें, आपके द्वारा छिपाई हुई बात को बाहर लाने की कोशिश शत्रुओं द्वारा की जा सकती है। आपके द्वारा की गई मदद को परिवार के सामने लाने की आवश्यकता होगी, जिससे दोस्तों इसके द्वारा आप मार्ग में आ रही कठिनाई को दूर करने में सक्षम रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और संतुलित सोच विचार आपके अंदर बेहतरीन परिवर्तन भी लाएंगे तथा समस्याओं को उचित रूप से सुलझाने में भी आप समर्थ रहेंगे। रचनात्मक कार्य में भी रुचि बढ़ेगी, कुछ समय एकांत अथवा धार्मिक स्थल पर भी व्यतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में भूमि अथवा परिवार संबंधी किसी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें, अन्यथा विवाद बढ़ सकता है, आपको अपने मेहनत के अनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे।
परंतु दोस्तों भविष्य में आपकी मेहनत अवश्य ही रंग लाएगी। तो दोस्तों यशमी आपको धैर्य का दामन थामते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि दोस्तों आगे आपका सफलता आपकी इंतजार कर रही है। उसके उपरांत दोस्तों यशो में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों सीमित विचारों से बाहर निकल कर दुनिया की तरफ देखने की आपको आवश्यकता होगी। डायरी में रहने की वजह से आपके अंदर नकारात्मकता तो बन रही है, लेकिन दोस्तों आप अपनी क्षमता का पूरी तरह से इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए दोस्तों यशमी परिवार के किसी व्यक्ति के प्रति बनी नाराजगी को दूर करने के लिए व्यक्ति का नजरिया समझने की यशमी आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यशमी आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि दिन पारिवारिक तथा आर्थिक दोनों दृष्टि में शुभ फलदायी साबित होगा। यशमी आपको रचनात्मक कार्यों में व्यस्तता रहेगी, व्यक्तिगत कार्यों में बेहतरीन समय व्यतीत होने की वजह से मानसिक शांति भी आप अनुभव करेंगे। बच्चों तथा युवा वर्ग का जो है अपनी पढ़ाई व फिर करियर की तरफ पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा। इसके साथ दोस्तों यशमी अपने विचारों को प्राथमिकता दें। कभी कभी आप दूसरों की बातों में आकर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, तो दोस्तों आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही यशमी ग्रह स्थिति आपके लिए कुछ ऐसे ही है, इसलिए दोस्तों स्वयं पर भरोसा रखना इसमें आपको सीखना होगा। कभी कभी वाणी में कटुता की वजह से संबंधों में दरार आ सकती है, तो इस बात पर भी गौर करें। इसके उपरांत दोस्तों यशमी काम से संबंधित बातों में आपका उत्साह कम दिखने की वजह से आपको दी हुई जिम्मेदारी फिर से वापस ली जा सकती है, और साथ ही आपको परिवार और अपने काम के प्रति अधिक जागरूकता दिखाने की भी आवश्यकता होगी। आपकी मनमौजी स्वभाव के कारण यश में कुछ नुकसान भी हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि कुछ नई जानकारी और फिर समाचार प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों को विदेश संबंधी परीक्षा में शुभ परिणाम मिलने की उम्मीद है। दोस्तों किसी रुके हुए या फिर उधार दिए हुए पेशे की वापसी भी यश में संभव है। इसके उपरांत दोस्तों यश में कभी कभी मन में किसी बात को लेकर नकारात्मक विचार भी आएंगे। दोस्तों ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना करें, अन्यथा किसी कानूनी पचड़े में भी आप फंस सकते हैं। पैसे आने से पहले जाने का रास्ता भी तैयार रहेगा, इसलिए दोस्तों यश में बजट बनाकर चलें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों बीते समय में हुए पेशे से संबंधित नुकसान को दूर करने की कोशिश आपके द्वारा इसमें की जा सकती है, जिसमें दोस्तों आपको सफलता भी मिलेगी। मिल रहे पेशों का निवेश करना आपके लिए इसमें अत्यंत जरूरी होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में व्यवसाय में कुछ नए प्रस्ताव मिलेंगे जो कि बेहतरीन रहेंगे। निवेश संबंधी गतिविधियों में कार्य करने का उत्तम समय होगा, परंतु दोस्तों पार्टनर संबंधी संबंध जो ऐसे व्यवसाय में प्रत्येक कार्य और गतिविधि पर नजर रखना आपके लिए आवश्यक होगा। जितनी मेहनत करेंगे उनके अनुसार ही आपको लाभ मिलेगा। आपको बता दें यश में आपके लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों कार्य क्षेत्र में आपकी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में कर्मचारियों तथा स्टाफ का पूर्ण सहयोग भी आपके ऊपर बना रहेगा। कार्यों में भी प्रगति आएगी, परंतु नया काम शुरू करने के लिए जो समय होंगे उतना अनुकूल नहीं होगा। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ इंतजार करने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें दोस्तों पारिवारिक व्यवसाय से संबंधित कार्यों पर अधिक ध्यान दें। मार्केटिंग संबंधी कार्य यश में उचित रूप से संपन्न हो जाएंगे। गैर कानूनी कार्यों के प्रति ध्यान केंद्रित हो सकता है, परंतु सावधान रहें, इसकी वजह से आपके मान सम्मान और आपके साख में कमी आ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि व्यवसायिक कार्यों में लोन लेने जैसी स्थिति भी बनेगी, परंतु अपनी क्षमता से ज़्यादा कर्ज ना लें। मार्केटिंग संबंधी कार्यों को यश में स्थगित रखें। किसी छोटी सी बात पर विवाद होने की आशंका भी बन रही है, श्रेय सट्टा आदि जैसे कार्यों में पैसे यश में ना लगाएं। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, तो दोस्तों अपने कार्यों में जीवन साथी तथा परिवार सदस्यों का सलाह अवश्य लें, क्योंकि दोस्तों कभी कभी आपको असमंजस जैसी स्थिति के कारण निर्णय लेने में दिक्कत आ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा तथा कुछ समय परिवारजनों के साथ हास प्रयास व फिर मनोरंजन में भी व्यतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में पारिवारिक माहौल सुकून बना रहेगा। सभी सदस्यों का आपसी तालमेल बेहतरीन होने की वजह से घर में भी खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां तो आने वाली है, परंतु परिस्थितियों को संभालने का दायित्व तो आपके ऊपर ही रहेगा, इसलिए इसमें धैर्यपूर्वक समस्याओं को सुलझाने के प्रयास करें।
इसके उपरांत दोस्तों यश में, अगर आपकी श्वास को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में गैस व फिर जोड़ों में दर्द की जैसी समस्या रहेगी। लापरवाही ना बरतें और सर्दी से अपना पूरा बचाव रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें दोस्तों यश में अगर आप सावधानियों को रखेंगे तो स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी, परंतु अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको इसमें सजग रहने की ही आवश्यकता होगी। तो दोस्तों जरूर यश में अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। और साथ ही आपको हल्का फुल्का खान पान यश में लेना चाहिए।